खाने में कितनी ही मिर्च मसाले डाल लो, लेकिन नमक के बगैर खाना बेस्वाद ही लगता है। लेकिन सभी लोग भोजन में नमक अपने अपने हिसाब से खाते हैं, कोई ज्यादा और कोई कम। हालांकि तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। हाल ही नमक को खाने को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की है। साथ ही अध्ययन के बाद WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ज्यादा नमक खाने से हर साल करीब 3 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। WHO ने एक दिन में 5 ग्राम नमक को पर्याप्त बताया है। दरअसल हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम दोनों की जरूरत होती है। ज्यादा नमक खाने से शरीर में ज्यादा सोडियम पहुँचता है और पोटेशियम और सोडियम की मात्रा में असंतुलन हो जाता है। आवश्यकता से ज्यादा सोडियम हड्डियों को कमजोर करता है और हाई BP की वजह बनता है। इसके कारण ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है, साथ ही किडनी पे बुरा असर पड़ता है। 5 ग्राम नमक से पूरी हो जाती है शरीर की जरूरत। WHO की माने तो एक व्यक्ति के शरीर में सोडियम की जरूरत 5 ग्राम नमक से पूरी हो जाती है, लेकिन हम में से ज्यादा लोग औसतन करीब 9 से 12 ग्राम नमक पूरे दिन में खाते हैं। WHO के अध्ययन के दौरान सबसे ज्यादा नमक प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, डेयरी और मांस में पाया गया है। WHO के मुताबिक यदि नमक को संतुलित मात्रा में खाया जाए तो करीब 2.5 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है। किन फूड में कितना सोडियम पर्याप्त? WHO ने खाद्य पदार्थ में सुधार और जीवन को बचाने के लिए 60 से ज्यादा फूड कैटेगरीज में सोडियम लेवल के लिए नए मानदंड तैयार किए हैं। WHO के दिशा निर्देशों के मुताबिक 100 ग्राम के आलू के चिप्स में 100 ग्राम सोडियम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पाए और पेस्ट्री में 120 ग्राम तक और प्रोसेस मीट में 30 ग्राम तक सोडियम पर्याप्त है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।